देख रहे हैं कि सारा रोड और खेत भरा पड़ा है गंदगी से। राशन कार्ड की स्थिति तो यह है कि हम जब थे 2011 में तो 2300 कुछ बनवाए थे, अब स्थिति यह है कि 1200 1250 रह गया है, सब कट टूट गया है। कहीं जाने पे लोग कहते हैं कि भाई राशन कार्ड हमको नहीं है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के कबीरपुर पंचायत में और यहां से एक मुखिया प्रत्याशी हैं विजय बहादुर सिंह जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पंचायत चुनाव में ये क्यों आए हैं और किस लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पंचायत चुनाव में आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका भी चैनल का, हिंदुस्तान टीवी का स्वागत है, नमस्कार है, नमस्ते। कि कबीरपुर पंचायत की जनता क्या देखकर क्या सोचकर आपको वोट करे? तो क्या मैं बोलूं, क्या सोचकर वोट करे? जनता का नमस्कार है जी, जनता माई बाप है सबका, सब जानती है समझती है क्या सोच करके हमको वोट करे। हम पिछले 10 साल से नहीं हैं, 10 साल पहले हम मुखिया थे जी, 2001 से 2011 तक। उस कार्यकाल को देखते हुए, उस व्यवहार को देखते हुए जनता ने हमें बुलाया है कि भाई आप आ करके और इस कमान को संभालिए, दूसरे के बस का है नहीं। मतलब इस बार जो आप मूड बनाए हैं जनता के मूड से आप मतलब सोचें कि फिर हमको चुनाव में आना है जी। मैं मूड नहीं बनाया हूँ जी, मेरी जनता है, मेरे गांव के लोग हैं, मेरे भाई बंधु हैं, वो मिल करके हमें खड़ा किए हैं और बोल रहे हैं कि आपका फुल सहयोग है, पूर्ण रूप से आपके साथ हम लोग हैं, कदम से कदम मिला करके आपका सहयोग करेंगे और कर भी रहे हैं, हम घूम रहे हैं तो देख भी रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है और 10 साल तक मान के चलिए कि आप विपक्ष में ही थे, तो आपके हिसाब से अभी पंचायत में जो विकास हुआ उससे आप कितना संतुष्ट हैं? विकास की बात थोड़ी, विकास तो जनता देख रही है जी। विपक्ष में रहते हुए न रहते हुए भी मैंने जनता का सेवा किया है। लॉकडाउन हो या कोई आर्थिक समस्या हो या महामारी की समस्या हो, सब में मैं जनता का सहयोग किया हूं और साथ दिया हूं। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय की स्थिति है भाई, जो 10 साल में है वो बोल रहे हैं कि 80% मैंने कंप्लीट कर दिया जी, और हम देख रहे हैं कि सारा रोड और खेत भरा पड़ा है गंदगी से। राशन कार्ड की क्या स्थिति है? राशन कार्ड की स्थिति तो ये है कि हम जब थे 2011 में तो 2300 कुछ बनवाए थे जी, अब स्थिति ये है कि 1200 1250 रह गया है, सब कट टूट गया है। कहीं जाने पे लोग कहते हैं कि भाई राशन कार्ड हमको नहीं है, लाल कार्ड हमारा था कट गया, पीला कार्ड था हमारा कट गया। आपके पंचायत में टोटल 15 वार्ड है, 15 वार्डों में सरकार की, नीतीश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, ये क्या बोलते हैं, नल जल योजना, ये कितना धरातल पे उतरा है? धरातल पर तो आप ग्राउंड रिपोर्ट किए होंगे तो देखे ही होंगे, अभी 10 या 11 वार्ड में लोग बोल रहे हैं कि मैंने चालू है पानी मिल रहा है, लेकिन स्थिति ये है कि वही है, हमारे सामने भी है, चाहे हर जगह इस वार्ड में भी मतलब चालू है, लेकिन पानी का उपयोग उसका तो लोग कर नहीं रहे हैं। यहीं पे है एक कितना 12 नंबर वार्ड है, वहाँ हम वार्ड मेंबर से पूछे कि भाई क्यों चालू नहीं है, तो बोल रहे हैं कि दिल्ली का नाला पकड़ लिया है। अच्छा, दिल्ली का नाला क्या है? दिल्ली का नाला से वो पकड़ लिया, खाली कानू दे रहा है। अच्छा, पूरा काला पानी दे रहा है। अच्छा, कितना दिन चलाए लोग पोखरा में खुला करके, या काला पानी दे रहा है, मतलब बोरिंग खराब हो गया, फंस गया है। जो सरकार की योजना थी जल जीवन हरियाली के तहत, जितने गांव में कुएं थे, तालाब थे, उनका जीर्णोद्धार करना था, उसके बाद साथ ही साथ उनको सौंदर्यीकरण करना था, गांव में पशु शेड बनाना था, और इस तरह की तमाम योजनाएं थी, कितना फलीभूत हुआ धरातल पे? अब देखिए, पूरा लिस्टिंग तो मेरे पास है नहीं, मतलब देखने से, देखने से गाँव गाँव घर घर हम घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई बना हुआ है,
पशु शेड का लीजिए, तो पशु शेड बना है तो सब अमीरों को बना है, गरीब का बना एक जो जरूरतमंद है जरूरतमंद है उनका नहीं बना है। और रही सात निश्चय की योजना, तो सात निश्चय में कोई गली में काम नहीं हुआ है, काम जहाँ हुआ है एक साल छः महीने में वो भस टूट गया है, भस गया है, छः महीने में जो सोलिंग हुआ है या गली नली का काम हुआ है या सोखता का, हाँ या सोखता का भी है, सोखता का भी देख रहे हैं कि भाई वही स्थिति है, सब सोखता भर के ऊपर से पानी दे रहा है, मतलब वो भी फ्लॉपी है, सब फ्लॉपी है ना। अभी आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि और विकास हो जाए या क्या कमियां दिख रही है जो अगर आप कुछ अंतर चुन लेते हैं यहाँ से आपको क्या बना देते हैं, तो इस बार आप क्या करने वाले हैं? जनता चुन लेती है तो उसमें प्रथम शिक्षा है, जिसे मैंने मध्य विद्यालय उत्तर तरह के उच्च विद्यालय कराया, प्राथमिक विद्यालय इमलौली को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित कराया और चार प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया अपने अपने रीजन में। अभी देखा जाए तो कोई भी स्वास्थ्य सुविधा आपके पंचायत में उपलब्ध नहीं है, कोई मतलब छोटा मोटा सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं है प्राथमिक उपचार के लिए, क्या करें? प्राथमिक उपचार पर, प्राथमिक उपचार पर ध्यान है, प्राथमिक उपचार केंद्र का निर्माण एक होगा, मतलब आपकी इच्छा है कि एक हॉस्पिटल बने, गरीब लोगों का इलाज, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, इससे बाहर जाने में ज़्यादा पेशेंट दिक्कत ना हो, और क्या चंदा लेकर दे रही है, मतलब जरूरत पड़ने पे लोगों को परेशान नहीं होना, बेदाड़ी में भी परेशान नहीं होना। और क्या क्या योजना है आपका, प्रमाण में क्या कह रहा है? योजना तो योजना बहुत, योजना गिनाने लेंगे तो उन्हें बहुत टाइम रहेगा, लेकिन योजना है जिससे गांव का सर्वांगीण विकास हो और गांव शहर की माफिक दिखे, जिसमें जल नल योजना है, सड़क योजना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। और युवाओं के लिए आप क्या सोच रखते हैं? युवाओं के लिए है, युवाओं के लिए यह कि पहले हमारी इच्छा है कि यहाँ पर पहले मध्य विद्यालय तक था आठवीं तक, दसवीं कराए, अब है कि कम से कम ग्रेजुएशन तक हो जाए हमारे यहाँ की, युवाओं का को बाहर न जाना पड़े, अपना सूखा दुखा खा करके युवा और युवतियाँ सब अपना यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें। युवाओं के रोजगार के लिए पंचायत स्तर पर कुछ रोजगार सृजन हो सकता है क्या? हो सकता है, बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही है, जिसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जाएगा, उसमें युवाओं को रोजगार मिल सकता है और मिलेगा भी। निर्वाचन आयोग के द्वारा सिंबल आवंटित किया गया होगा आपको, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव है, क्या सिंबल मिला आपको? हमको टेम्पो छाप मिला है जो 4 नंबर पर अंकित है। अंत में आप अपने पंचायतवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? अंत में पंचायतवासियों से अपील करना चाहेंगे कि आपको सारी दर्द और पीड़ा या हमसे कोई गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तब क्षमा करके और टेम्पो छाप पर बटन दबा करके 4 नंबर पर और अपने बच्चे को लाइए, जिससे आपका सेवा कर सके, 24 घंटा 7 दिन आपके सेवा में तत्पर रहेगा विजय बहादुर। आप हमसे बात के लिए बहुत बहुत। अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने सिवान।